मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं। हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही हैं। ट्रंप की तस्वीर पर प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। ये दिल्ली के दिलशाद गार्डन की तस्वीर है। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ट्रंप की जीत की कामना करते हुए यज्ञ और हवन किया। आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, ताकि भगवान डोनाल्ड ट्रंप को जीत में मदद कर। और इसीलिए जो हिंदू सेना है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर मंत्रोच्चार कर रहे हैं, इस हवन का हिस्सा बन रहे हैं। अमेरिका में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन भारत में और भारत के इस हिस्से में, राजधानी दिल्ली में, ट्रंप की जीत के लिए ये प्रार्थना इस मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना देती है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर भारत के साधु संतों में ऐसा उत्साह शायद ही कभी देखा गया होगा। हवन क्या है, भगवान की शरण में है डोनाल्ड ट्रंप और हम शरण में लाए हैं, और जैसे हमने पिछली बार भगवान का आशीर्वाद उनको दिलाया और वो भारी बहुमत से विजयी हुए, इस बार फिर हमने भगवान का उनको आशीर्वाद दिलाया है, क्योंकि मानवता की रक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जरूरी है। इसलिए भगवान से कामना की है, यज्ञ देवता से कामना की है, उनको भारी बहुमत से विजयी बना। दिल्ली से दूर प्रयागराज में भी ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ हवन किया गया। संगम नगरी में बड़े हनुमान मंदिर के छोटे महंत स्वामी आनंद गिरी ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ हवन कर ट्रंप की जीत की कामना की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता भारत के साथ बहुत गहन है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत करके आते हैं तो भारत निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर बहुत मजबूत बनेगा। इसलिए आज हमने यहाँ बैठ करके प्रार्थना की है कि भगवान डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा विजय सिंह दिलाए। दिल्ली से प्रयागराज तक ट्रंप के लिए दुआएं की जा रही है। उधर उड़ीसा के पुरी का समंदर किनारा भी अमेरिकी चुनाव के रंग से अछूता नहीं रहा। यहाँ के मशहूर गोल्डन बीच पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की कलाकृति बनाई। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है उसके लिए हमारा सैंड आर्ट के थ्रू ये बेस्ट विशेष है। अराउंड 5 tons ऑफ सैंड यूज हुआ है इस स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। स्पेशली इसमें हमने बहुत प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है उनके स्कल्पचर्स बनाए हैं, उसके बाद यूएस के जो नेशनल फ्लैग है उसको भी क्रिएट किए हैं। अब तक के रुझानों में ट्रंप बाइडेन से आगे हैं। नतीजों का औपचारिक ऐलान बाकी है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि ट्रंप समर्थकों की प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।